फर्स्टली आशा मैंने कंग्रेचुलेशंस, एक नई सीरीज और एक नए अंदाज के साथ आ रही हो, और इस किरदार की अगर मैं बात करूँ तो एक नया किरदार भी है कहीं ना कहीं. ज़्यादातर यू नो हम रोमांटिक किरदार देखते हैं या तो फिर एक विलन का किरदार देखते हैं, यहाँ पर सस्पेक्ट के किरदार पर आ रही हो और एक फोटोग्राफी कर रही हो. आप पर्सनली कितना इस किरदार से यू नो आपने कितना जस्टिफिकेशन किया है, जस्टिफाई किया है इस किरदार को? अभी ये तो ऑडियंस ही बताएगी कि मैंने जस्टिफाई किया है कि नहीं किया है, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है यार. और कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी, कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं किया. यू नो इतने सारे लेयर्स हैं इस कैरेक्टर में, और यूजुअली लोगों ने मुझे वो ऐसे एकदम स्वीट स्वीट टाइप के कैरेक्टर्स में देखा है, तो ये जब कैरेक्टर देखेंगे तो उनके लिए कुछ नया होगा. एंड आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि लोग मुझे इस तरीके से देखेंगे. सो अब जस्टिस किए कि नहीं किए वो तो आप ही लोग बताओगे. आपके हिसाब से आपको कितना यू नो आपने कितना पसंद किया है? मुझे बहुत मज़े आए हैं, बट वो होता है ना कि आप नहीं बता पाते हो कि आपका काम कैसा है, वो वाला हिसाब है यहाँ पे. सो बट मुझे मज़े बहुत आए हैं करने में. लेकिन हाँ बताओगे तो आप लोगों को कैसा लगा, तो जब शो देखोगे तो फिर बताना मुझे. ये मर्डर मिस्ट्री है और आई थिंक सो आपके लिए पहली बार मर्डर मिस्ट्री मूवी में, और ग्रे शेड है. हाँ मतलब कुछ ऐसा ही समझ लो. सो पर्सनली आपने यू नो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था, और कौन सी एक ऐसी चीज़ थी जिस वजह से आपने हाँ कहा? एक्सेप्ट प्लॉट आई थिंक चैलेंजिंग था ना, इसीलिए मैंने हाँ हाँ कहा, क्योंकि मुझे अब थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलना था, कुछ नया कुछ अलग करना था, और यू नो कुछ ऐसा कि अच्छा रात को नींद नहीं आया कि कल ये वाला सीन करना है, कैसे करूँगी, नर्वस हूँ. तो आई थिंक जब मुझे कहानी के बारे में बताया गया, कि किरदार के बारे में बताया गया और कितना ये किरदार ह्यूमन है, मतलब अच्छाई से नहीं भरी हुई है वो, कि वो यू नो कि मैं तो हीरोइन हूँ तो मैं तो अच्छा ही करूँगी, मैं तो कुछ वो नहीं कर सकती. चीज़ अ ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन कैसे रिएक्ट करते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं. और अगर पुलिस पीछे पड़ी है तो उसमें वो क्या कर रही है अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए, तो वो सब चैलेंजेस से गुजरना इस कैरेक्टर के लिए, वो सब काफ़ी चैलेंजिंग था ऑल दैट. और क्योंकि थ्रिलर है, फिर बीच बीच में कहीं कहीं पे कॉमेडी भी हो रही है, और वो कॉमेडी कर नहीं रही है या कोई कर नहीं रहा है, बस सिचुएशन ऐसी है कि कॉमेडी हो रही है. और फियर है उसको कि यार वो अगर फंस गई तो, अगर लोग मतलब यू नो उसको वो मर्डरर वो मिल गया तो, और फियर्स भी है कहीं कहीं पे, उस स्ट्रॉन्ग भी है, तो वो इतनी सारी चीज़ों में मतलब यू नो वो लेयर्स को अच्छे से निभाना वाज आल्सो क्वाइट चैलेंजिंग. तो आई थिंक ओवरऑल जब मैंने इस कैरेक्टर बारे में सुना तो मुझे लगा कि कोई रीज़न तो नहीं है मना करने के लिए. आदर्श की टाइटल की बात कर रही है, हनीमून फोटोग्राफर है, और जब आपने ये सुना था तो पहली बार आपको क्या लगा था, क्या ये कपल पे बेस होगा या पूरी स्टोरी फोटोग्राफर पर बेस होगी? नहीं मतलब मेरा पहला रिएक्शन तो यही था यार, हनीमून फोटोग्राफर ये क्या है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? तो तब मुझे बताया गया कि हाँ ऐसा होता है, और लोग लेके जाते हैं फोटोग्राफर्स अपने हनीमून पे भी. और अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हम सोशल मीडिया पे इतने रील्स वगैरह देखते हैं और लोगों के इतने सुंदर सुंदर वीडियोस देखते हैं हनीमून के, तो वो तो आई एम श्योर इसे कोई प्रोफेशनली बना रहा है, और अगर पैसे हैं आपके पास इतने सारे तो लेके जाओ, है ना. आशा जी, जैसे आपने अभी कहा कि ये जो आपका कैरेक्टर है वो पूरा अच्छाई पर भी निर्भर नहीं है, थ्रिलर मूवी है, क्राइम मूवी, जब कोई करता है, जब उस तरीके का कैरेक्टर प्ले करता है तो कहीं ना कहीं अपने पर भी असर जाता है. तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ, या फिर ये कैरेक्टर में, या फिर आपने अपनी लाइफ में जितने भी कैरेक्टर्स प्ले किए ऐसा कि आप पे वो हावी हो गया, या फिर आप उसी में कुछ महीने तक ऐसे मतलब इस शो के बाद मैंने एक मर्डर किया है, आप लोग को नहीं पता है, अभी बता रही हूँ. पर यार हाँ कुछ ना कुछ तो, जैसे हर एक कैरेक्टर में कुछ ना कुछ
मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मेरा कुछ एक पार्ट होता है उस कैरेक्टर में, मैं जैसी हूँ उसमें से कुछ ना कुछ होगा उस कैरेक्टर में. बट आई थिंक इस कैरेक्टर की अगर बात करूँ तो मुझे लगता है कि देखो निकलना तो सच बताऊँ मेरे लिए इजी है, मेरे लिए डिटैचमेंट इज़ वेरी इजी. तो जब वो शो एक बार ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं थोड़े दिन में डिटैच हो जाती हूँ. एंड जब वो चल रहा होता है तो मैं किस तरीके से अफेक्ट होती हूँ उसमें, आई थिंक मुझे मेनली ना दिमाग में परफॉर्मेंसेस चल रही होती है कि आज मैंने ये सीन था तो मैं इस सीन को ऐसे कर सकती थी वैसे कर सकती थी, रैदर दैन कि हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कभी कभी तुम उस जोन में थोड़े रहते हो कि अच्छा ये कैरेक्टर ऐसे करती थी ना तो वो भी थोड़ा, अगर वो बिच्छी सी कैरेक्टर है थोड़ी तो मैं रियल लाइफ में थोड़ी वो हरकतें करने लग जाऊंगी, बट मुझे पता रहेगा कि ये कैरेक्टर की वजह से कर रही हूँ मैं. और मैं डिटैच होना भी मेरे लिए बहुत इजी है, एक बार शो खत्म हो गया तो फिर मैं डिटैच हो जाती हूँ. अच्छा देखो फ़ोन से अगर फ़ोटो शूट की बात करो तो मैं बहुत अच्छी फ़ोटोज़ खींचती हूँ, बट अगर कैमरे की बात करो तो उस टाइम पे मैंने अपने कुछ फोटोग्राफर फ्रेंड से थोड़ी मदद ली थी कि अच्छा कैसे चलाते हैं और थोड़ा अगर कूल दिखना हो कैमरा पकड़ के तो कैसे करते हैं, तो वो सब मैंने थोड़ा सीखा था ताकि मेरा यू नो ऐसा भी ना लगे कि सीन्स कर रही हूँ और ऐसा लग रहा है कि ओह इसको तो कैमरा तक पकड़ना नहीं आ रहा है. तो वो सब बेसिक हेल्प मैंने ली थी और मुझे आई होप कि उसमें भी दिखे कि हाँ इसको तो आता है फोटो का. एज एन एक्टर कैमरा से तो प्यार होता ही है, बट व्हाट्स इजी बिहाइंड द कैमरा काम करना या कैमरा के साथ काम करना, क्या इजी है? यार मुझे ऐसा लगता है कि अब क्योंकि इतने टाइम से सामने के कैमरा के सामने तो मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है, बट अगर कैमरा बिहाइंड द कैमरा की बात करो तो यार वो भी इजी नहीं है. मतलब बहुत मेहनत है हर एक इंसान के, डायरेक्टर हो, DOP हो, लाइट मैन हो, अपना मेकअप हेयर की टीम हो, कोई भी, इट इज़ नॉट ईजी. और अभी तो मुझे ऐसा लगता है इतने टाइम से मैं कैमरे के सामने हूँ तो मुझे वो ईजी लगता है. इससे पहले कितना मुश्किल होता था ना TV से निकलना एक्टर्स के लिए, अभी OTT की वजह से आई फील कि फिल्म एक्टर्स भी कर रहे हैं, OTT टेलीविजन एक्टर्स भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे बस अच्छा कंटेंट है जिसमें सब एक्टर्स हैं, कोई ऐसे फिल्म स्टार या TV स्टार नहीं है, एंड एवरीबडी इज़ लाइक डूइंग गुड वर्क और अच्छे शोज बन रहे हैं. तो आई एम द वेरी 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 थैंकफुल, वरना पहले ऐसे फिल्म्स में घुसना बहुत मुश्किल हुआ करता था. बट आई थिंक डिफरेंस की बात बोलो तो मुझे OTT में ऑनेस्टली आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर टेलीविजन और जो भी मुझे मिला है. आज भी लोग मुझे पूर्वी करके बुलाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. अच्छा, अभी आपने कहा TV स्टार कहते थे और फिल्म स्टार कहते थे, कभी ये लेवल आप पे लगा कि अरे आप टीवी के हो, आप फिल्म में कैसे जा सकते हो, कभी आपके साथ? मतलब मेरे मुंह पे नहीं बोला किसी ने, बट या मतलब आई एम श्योर कि ये चीज़ है, अभी भी हावी की टाइप कास्ट कर देते हैं आपको कि वो टीवी से है. और मुश्किल भी होता है हम TV एक्टर्स के लिए, स्पेशली उनके लिए जो यू नो एक टाइम पे कोई अच्छे किसी हिट शो का पार्ट रहे हैं तो हाउस होल्ड नेम बन चुके हैं, तो उनके लिए होता है मुश्किल क्रैक करना. बट मैं डिसहार्टन नहीं होती हूँ, मैं अपना करती रहती हूँ काम. जो आपके शो के टाइम पे मीडिया वाले आके आपसे क्वेश्चन करते थे, कोई अगर आज आकर आपसे क्वेश्चन करे तो आपको ऐसा लगता है कि आपका डाउनफॉल हो जाएगा? माय गॉड गाइस, नॉट एट ऑल. इनफैक्ट आज मेरे पास सास बहू और साजिश वाले आए थे और उनको 21 साल पूरे हो गए और मैंने उनका बर्थडे मनाया है, तो मुझे नहीं लगता, आई मीन मैं तो कभी नहीं करूँगी ऑनेस्टली इफ़ इट कम्स टू मी. बट और
मुझे तो लगता है यार उन लोगों ने हमें बनाया है. देयर वाज वन पॉइंट जब लोग बोलते थे तुम इनको पैसे देते हो क्या, वो हर आए दिन जब व्हेन आई वाज डूइंग पवित्र रिश्ता. तो आज भी अगर इतने सारे लोग जानते हैं, इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार है, तो इन लोगों ने बनाया है यार. हम लोग सोए रहते थे सेट पे और ये आगे हमारे सर पे नॉक करते थे कि चलो बाइट दे दो. सो उनसे वैसा वाला रिलेशनशिप है. सो मतलब I'm just grateful यार. ऐसे तो मैं कभी नहीं करूँगी. अगर टीवी पे वापस जाने का मौका मिले तो करोगी आप?